नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कपास में समन्वित रोग प्रबंधन कैसे करें। कई सारे किसान भाई कई सारे पेस्टिसाइड का लगातार और बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, जिससे उनकी कृषि की लागत बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली अपनानी चाहिए, जिससे कि आपकी फसल की लागत कम होगी और आपका उत्पादन ज्यादा होगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपको समन्वित कीट प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले कपास के खेत के चारों ओर मेड़ों पर उग रहे खरपतवार को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इन पर सफेद मक्की के कीट आश्रित रहते हैं। किसान भाइयों, 5 से 10 फेरोमोन ट्रैप आपको प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए, जिससे कि नर पतंगों का पता चले और उनको नष्ट किया जा सकता है। गुलाबी कीट से प्रभावित फूल जिनकी पंखुड़ियां ऊपर से चिपकी हो, उन्हें हाथ से तोड़कर उनके अंदर मौजूद गुलाबी सुंडी को नष्ट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करें। किसान भाइयों, परजीवी ट्राइकोग्रामा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय फसलों में छोड़ें। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार 7 दिन के अंतराल पर अवश्य दोहराए। पर बक्षी कीट क्राइसोपा 30,000 प्रति हेक्टेयर की दर से छोड़े। आवश्यकता पड़ने पर बक्षी को फूल अवस्था में पुनः छोड़े। किसान भाइयों, गुलाबी कीट, अमेरिकन कपास की सुंडी, चित्तीदार कपास की सुंडी एवं तंबाकू की सुंडी अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों का आपको छिड़काव करना चाहिए। पहला है साइपरमेथ्रिन 10 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या साइपरमेथ्रिन 25 cc 6 ml प्रति 15 लीटर, या कार्बोरिल 50 WP 4.5 ग्राम प्रति लीटर, या ट्राइजोफॉस 40 cc 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, या मेलाथियन 50 cc की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर, या डेल्टा मेथ्रीन की 2.8 cc की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या इमिडामेक्टिन बेंजोएट 5 sg की 8 ग्राम मात्रा प्रति लीटर, या फ्लूबेंडियामाइट की 480 sc 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पंप की दर से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए कपास की बुआई के पूर्व कीटनाशक दवा इमिडा क्लोरोपीट का 70 WS 7 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए, जिससे हरा फुदका कीट का फसल पर 8 सप्ताह तक प्रभाव नहीं होगा। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए पीला चिपचिपा प्रपंच का फसल की प्रारंभिक वानस्पतिक अवस्था में बुआई के 45 दिन के आसपास खेत में सफेद मक्की की निगरानी व बड़े पैमाने पर फांसने के लिए पीला चिपचिपा प्रपंच ट्रेप 25 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक होने पर निम्नलिखित रसायनों जैसे इमिडा क्लोरोपीट 17.8 sl की 5 से 7 ml मात्रा प्रति 15 लीटर, या एसीफेट 75 sp की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर, या डाई मिथाइड 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर, या थायोमेथोक्साम 25 WG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर किसी एक रसायन का छिड़काव करना चाहिए। कपास की लाल मुतकुंड यानी कि रेड कॉटन बग के नियंत्रण के लिए कीटों के अंडों को नष्ट करने के लिए खेत की जुताई करें एवं कीट का प्रकोप अधिक होने पर फॉस्फेमिडोन 40 sl 600 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।